नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है हमारे खास चर्चा में, जिसमें हम रिपोर्टर्स को जोड़ते हैं और उनकी विधानसभाओं का हाल जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम फतेहपुर और गोंडा की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि वहां पर चुनावी माहौल कैसा है, आम जनता के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि समय बेहद कम है। तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है कि अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या इन 5 सालों का कामकाज जनता को पसंद है। जो नारा लगातार बीजेपी देती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्या ये सही साबित होगा या फिर विपक्ष मजबूती के साथ उभरता हुआ नजर आएगा। कैसे हालात हैं, कैसा माहौल है, नामांकन की जो प्रक्रिया है वो लगातार हम देख रहे हैं कि वो चल रही है। तो ऐसे में आदर्श आचार संहिता की कितनी धज्जियां यहाँ पर नेता उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल्स और आचार संहिता के तहत सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। लेकिन तस्वीरें जो सामने आती हैं वो बेहद ही चिंताजनक है। वो प्रत्याशी, वो नेता जिनको जनता अब चुनने की राह पर आगे बढ़ रही है, वो ही उन प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर जनता आखिर क्या करे, जनता सवाल उठाती है। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियोस हैं जो वायरल हो चुके हैं। आम जनता पूछ रही है कि आखिर नेता क्यों इन प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करते हैं, जो भी पाबंदियां हैं वो आम जनता के लिए क्यों होती है। तो ऐसे में जनता के मन में क्या चल रहा है गोंडा और फतेहपुर की, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, वो तस्वीरें देखिए और फिर हम आगे चर्चा पूरी करेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कें पूरी तरह से एकदम स्वच्छ नजर आ रही है, गोंडा की तस्वीरें हैं। फिलहाल तस्वीरों को देखकर तो ये कहा जा सकता है कि साफ सुथरा एकदम और स्वच्छ नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी गोंडा से अनुराग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि गोंडा में माहौल कैसा है। अनुराग, सबसे पहले बताइए कि गोंडा में तस्वीर कैसी है चुनाव के लिहाज से। जी, हम बता दें दर्शकों कि गोंडा में 5वें चरण में चुनाव होना है, 27 फरवरी को यहां मतदान होना है। गोंडा जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है, 24 लाख वोटर है ये 7 विधानसभा क्षेत्र में जो मतदान करेंगे। और 7 विधानसभा क्षेत्र में आपको बता दें कि इससे पूर्व में जो है 7 विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का कब्जा रहा है, और इस बीजेपी 7 विधानसभा क्षेत्र में गोंडा है, मेहनौन है, कटरा बाजार है, कर्नैलगंज है, गौरा है, तरफगंज, ये सारे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर भाजपा का कब्जा है। और फिर इस बार चुनाव है तो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में फिर भाजपा अपने आप को दावा तो कर रही है कि हम फिर से 7 विधानसभा में कब्जा करेंगे, लेकिन कड़ी जो टक्कर दे रही है इस 7 विधानसभा क्षेत्र में। गोंडा में सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी से चल रही है, सभी विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ कर ले रही है। आपको हम बता दें कि गोंडा में अभी सिर्फ सपा ने 7 विधानसभा में से 3 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें प्रत्याशी घोषित की है। गोंडा से बिल्कुल अनुराग, जो आपने तस्वीरें हमें भेजी हैं उन तस्वीरों को देखकर तो ये कहा जा सकता है कि गोंडा में विकास तो हुआ है, सड़कें एकदम दुरुस्त नजर आ रही हैं, स्वच्छ नजर आ रही है, स्वच्छता नजर आती है गोंडा में, डिग्री कॉलेज भी है गोंडा में। क्या सिर्फ शहरी क्षेत्रों का ये हाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। जी, हम दर्शकों को बता दें कि क्योंकि गोंडा जो है ये बहुत पुराना जिला है और यहाँ पर जो नगर पालिका क्षेत्र है वो नगर पालिका क्षेत्र आजादी के बाद से उसको बढ़ाया नहीं गया, जिसके वजह से शहरी क्षेत्र में तो थोड़ी विकास हुआ है। नगर पालिका क्षेत्र में साफ सुथरी सड़कें हैं, गोंडा से लखनऊ राजमार्ग बन गया है 4 लेन की, लेकिन अगर थोड़ी सा अगर शहर से बाहर निकला जाए तो विकास के में पीछे है गोंडा कहीं ना कहीं। शहरी क्षेत्र में सड़कों का थोड़ी सा विकास नहीं है, लोगों वहां पर स्वच्छता की कमी है, नाली वगैरह की है, वहां पर सड़कों में नाली वगैरह भी नहीं बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं शहर में जो शहरी क्षेत्र में उसका तो विकास हो पाया जो नगर पालिका क्षेत्र है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में थोड़ी सा विकास होना अभी बाकी है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन उसका जो आम गड्ढा मुक्त सड़क करने की दावा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गड्ढा मुक्त सड़क ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार को मुंह चढ़ाने के लिए काफी है। और इस समय जो चुनाव का माहौल है और अब प्रत्याशी जा भी रहे, कहीं ना कहीं कुछ प्रत्याशियों को उसका विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। अनुराग, ये बताइए कि इस बार गोंडा की जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ है या इस बार चुनावी हवा कुछ और ही कह रही है।
हम आपको सही बता दें कि गोंडा जो शहर है, जो सदर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ लगभग 3.5 लाख वोटर है और यहाँ पर ये जो सीधी लड़ाई जो समाजवादी पार्टी से भाजपा की लड़ाई हो रही है और भाजपा के प्रत्याशी अभी घोषित नहीं है, लेकिन जो पूर्व में विधायक है प्रतीक भूषण सर सिंह, जो सांसद विभूषण सर सिंह के पुत्र है, बाहुबली सांसद माने जाते हैं विभूषण सर सिंह, उनके पुत्र इस बार चुनाव मैदान में फिर से वो कोशिश में है कि उनको टिकट मिल जाए और अभी भाजपा की टिकट की लिस्ट नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि उनका टिकट पक्का है और उनकी सीधी लड़ाई सूरज सिंह से होगी और समाजवादी पार्टी से। खुश है जनता अपने विधायक से? खुश है जो गोंडा सदर की जनता है वो खुश है? गोंडा सदर की जनता की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो 60% जनता तो खुश है, लेकिन 40% जनता में नाराजगी है और अगर ये 40% जनता और जो गोंडा का में जो मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम वोटर एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि गोंडा की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम जो है इसमें लगभग 20% लगभग मुस्लिम वोटर्स हैं, तो मुस्लिम वोटर्स डिसाइड करेंगे कि गोंडा की दिशा और दशा क्या होगी। लेकिन हम आपको बता दें कहीं ना कहीं थोड़ी सा तो विधायक से नाराजगी है ही है, लेकिन अगर बात करें जनता से तो 60% जनता भी विधायक के पक्ष में है, लेकिन 40% तो अपोजिट है ही है। देखिए अनुराग, अगर एक रिपोर्टर की हम बात करें तो एक रिपोर्टर पूरे अपने जिले का या विधानसभा का एक आईना होता है, तो आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी, आप जितना गोंडा के अलग अलग विधानसभाओं में गए हैं वहां पर आम जनता के मन में क्या चल रहा है, युवाओं के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस बार यही है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, विपक्ष ये कह रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में घर का जो बजट है गृहिणियों के लिए वो बिगड़ता हुआ नजर आता है, महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, तो गोंडा में क्या ये सब चीजें ठीक है ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक? जी, हम दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से गोंडा में चुनाव के समय है तो कहीं ना कहीं युवाओं में एक नाराजगी तो है ही है कि उनको रोजगार नहीं मिला, लेकिन उनको सरकार जिस तरीके से कह रही है कि हम ये रोजगार के लिए गोंडा में हम बात करें तो अगर गोंडा में कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, सिर्फ चीनी मिल है जहाँ जिससे लोग किसान और इस तरीके से लोगों को फायदा जो मिल रहा है, आसपास में सरकार ने एक अच्छी पहल की है, गोंडा में जो आपका कटरा विधानसभा क्षेत्र है वहां पर एथेनॉल प्लांट लगाया है जिससे पेट्रोल बनेगा, तो कहीं ना कहीं उससे रोजगार तो कुछ मिलेगा ही गोंडा वासियों को, तो कुछ ना कुछ कहीं एक तरफ जहां तक कुछ युवाओं में रोजगार के लिए जो नाराजगी है उसको सरकार ने दूर करने की कोशिश की है और सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में काम कर रही है गोंडा क्षेत्र में, और यहाँ पर लोगों को फैक्ट्री या अपना काम का दुकान वगैरह करने के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोन दे रही है, जिससे कि अब सरकार देश की जो जनसंख्या है सबको तो रोज नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन सरकार जिस पक्ष में काम कर रही है तो कहीं ना कहीं अगर आत्मनिर्भर बनाने के ही क्षेत्र में अगर सही से काम हो जाए तो सरकार पास मानी जाएगी। ठीक है, अनुराग आपने अभी बहुत जिक्र किया किसानों का कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं राहत यहाँ दी गई है, तो क्या किसान आंदोलन का असर गोंडा तक नहीं पहुंचा है? गोंडा के किसान अपने आप को उस आंदोलन से अलग करते हैं? नहीं नहीं, किसान आंदोलन का गोंडा में भी रहा है और हम आपको बता दें कि अभी गोंडा में इस जिस तरीके से ठंड बहुत कड़ाके की पड़ रही है उसमें राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, और इसमें किसानों की बात करें तो अभी गोंडा में जो यहाँ पर चीनी मिल है बजाज चीनी मिल, उसमें लगभग 2 साल से किसानों का पैसा फंसा था, लेकिन अभी सरकार ने एक पहल की है और लगभग 20 दिनों में लगभग 65 से 70 करोड़ रुपए का पेमेंट हो पाया है। आपको बता दें 200 करोड़ रुपए मोटा मोटी किसानों का जो बकाया है, किसान परेशान है, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा था, अभी इस बीच में अभी 10 दिन एक हफ्ते के अंदर की बात करें तो सरकार ने के दबाव पर बजाज कुदरती मिल ने पेमेंट किया है, तो थोड़ी सा जो किसानों पे नाराजगी थी मायूसी थी, तो इसका असर के चुनावों में हमें देखने के लिए मिल सकता है अनुराग? जी बिल्कुल, हम बता दें कहीं ना कहीं गोंडा, क्योंकि गोंडा के आसपास चीनी मिल का एक कहते हैं कि चारों तरफ सराउंडिंग में 4 या 5 चीनी मिल है गोंडा की, आपकी कुदरती है, फिर बतौली है, इधर बलरामपुर जिला सटा हुआ है, इधर बहराइच में चिलवरिया है, इधर मैजापुर है, तो कहीं ना कहीं गोंडा में जो मेन जो किसानों की फसल है, कैश क्राफ्ट कही जाने वाली गन्ना मेन फसल है जिससे किसानों को फायदा मिलता था और किसानों को उससे कैश फसल के रूप में उनका इससे उनका जीवन यापन होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ जो चीनी मिल है बजाज ग्रुप की उनका पेमेंट तो अच्छा है, बजाज अरे बल्लामपुर चीनी मिल के ग्रुप का तो अच्छा है, लेकिन बजाज चीनी मिल की जो चीनी मिल है उनका पेमेंट डिले है जिससे किसानों में नाराजगी है, और इससे
कहीं ना कहीं चुनाव में असर तो पड़ेगा ही जी। बिल्कुल, इसके अलावा अनुराग ये भी बताइए कि गोंडा में, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने बताया कि वहां पर ठंड पड़ रही है, तो प्रशासन की तरफ से लोगों को कोई सहायता दी जा रही है? इसके अलावा जो यहां पर योजनाओं का लाभ है, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो, चाहे वो प्रदेश सरकार की तरफ से हो, क्या वो लाभ आम जनता तक पहुँच रहा है? और महिलाएं यहाँ पर कितनी ज्यादा सुरक्षित हैं? शिक्षा व्यवस्था की मैं बात करूँ तो शिक्षा का स्तर यहाँ पर कैसा है? स्वास्थ्य व्यवस्था की मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर क्या यहाँ पर सारी सुविधाएं लोगों के लिए उपलब्ध है? कहीं दूसरे जिले तो नहीं जाना पड़ता लोगों को? जी, हम बता दें कि गोंडा में जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो गोंडा में सरकार ने मेडिकल कॉलेज का तोहफा दिया है। जो मेडिकल कॉलेज गोंडा में बन रहा है, अभी बनने का काम शुरू हुआ है। अभी सरकार ने आके मुख्यमंत्री आए थे और लोकार्पण करके गए हैं और उसका काम शुरू हो गया है और जल्द ही गोंडा में मेडिकल कॉलेज बनेगा। लेकिन हॉस्पिटल की बात करें तो गोंडा में कोविड की टाटा ट्रस्ट ने 200 बेड का हॉस्पिटल बना रखा है और जिस तरीके से इस समय कोरोना काल है वो हॉस्पिटल लोगों के लिए वरदान माना जा रहा है। और 200 बेड का हॉस्पिटल गोंडा जिला अस्पताल में है, जिसमें टाटा और बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से वो सरकार ने उसको साझा करके बनाया है और 200 बेड का हॉस्पिटल है। तो लोगों को कोरोना से के लिए बेहतर इलाज मिल जा रहा है। और स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में जिला अस्पताल में है, डॉक्टर हैं और लोगों का इलाज हो रहा है। तो अगर आने वाले समय में गोंडा में स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का यहाँ तोहफा मिल गया। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर विश्वविद्यालय कि लोगों को उम्मीद थी कि सरकार इस बार तोहफा दे देगी, जगह भी फाइनल हो गया, लेकिन सरकार अंत में जाते जाते ये विश्वविद्यालय का तोहफा गोंडा जो मंडल मुख्यालय है इसको नहीं दे पाई है। तो कहीं ना कहीं एक लोगों की नाराजगी भी है कि गोंडा में मंडल मुख्यालय होने के बाद आज तक आजादी के 75 वर्ष लगभग बीतने को है और एक विश्वविद्यालय नहीं मिल पाया है। और यहाँ के बच्चे जो है उनको LBS एक डिग्री कॉलेज है जो शहर में, उसी से में पढ़कर और उनको अपनी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होता है, नहीं तो आगे उनको लखनऊ और दिल्ली और बड़े शहरों के लिए पलायन करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं जो युवाओं में है शिक्षा के लिए तो नाराजगी भी है, क्योंकि जिस तरीके से अनुराग आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपका जल्द रुख करूंगी। मेरे सहयोगी बाबूलाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं फतेहपुर से, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि फतेहपुर में किस तरह का माहौल है, चुनावी माहौल, और किस तरह की तस्वीरें वहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, वहाँ पर कितना विकास हुआ है, वहाँ की जनता क्या कह रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, तस्वीरें देखिए शहरी इलाकों में तो सारी चीज़ें ठीक ठाक नज़र आती है, लेकिन अगर ग्रामीण स्तर पर आप जाएंगे तो ग्रामीण स्तर पर नाराज़गी देखी जाती है, उतना विकास वहाँ नहीं हो पाया है। शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो शिक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, जो उनके अभिभावक हैं, वो बेहद नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। नौजवानों की अगर मैं बात करूं तो नौजवान भी कहीं ना कहीं परेशान हैं रोज़गार को लेकर। लेकिन हाँ, अगर गोंडा की तस्वीरों की मैं बात करूं तो गोंडा में मिलीजुली प्रक्रिया सामने आ रही है। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ सड़कों का कितना बुरा हाल है, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जान हथेली पर रखकर लोग यहाँ से गुजरने के लिए मजबूर नजर आते हैं। ये देखिए बारिश अगर यहाँ पर हो तो फिर कितना मुश्किल यहाँ से निकलना हो सकता है, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये हालात हैं सड़कों के, ये विकास हुआ है इन 5 सालों में, तो इसलिए नाराजगी जो है वो देखी जा सकती है लोगों में। और फतेहपुर से मेरे सहयोगी बाबूलाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुक करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर सड़कें इतनी अच्छी यहाँ पर क्यों नहीं हैं। अच्छी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कागजों में तो कहा जाता है कि सड़कें हमने दुरुस्त कर दी हैं, बहुत अच्छी कर दी हैं, लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितनी अच्छी है। बाबूलाल, यहाँ पर सड़कें इतनी सुंदर और इतनी अच्छी नजर आ रही है कि कहीं भी कोई हादसा नहीं हो सकता है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, मैम आ रही है। बाबूलाल, सड़कों की तस्वीरें जो आपने भेजी है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि विकास बहुत ज्यादा ही हुआ है यहाँ पर। जी, आवाज समझ में नहीं आ रही। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम है
हम कोशिश करेंगे इसे सुधारने की। फिलहाल तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बार फिर से देखिए, शहरी इलाकों के हाल एकदम ठीक ठाक है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के हाल हमने आपको दिखाए। तो चुनावी जो रण है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, मैदान तैयार हो चुका है, लेकिन इस मैदान में बाजी कौन मारेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाबूलाल एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी मैम, आ रही है। बाबूलाल, यहाँ पर अगर फतेहपुर की मैं बात करूं तो कितना विकास यहाँ पर हुआ है? जो तस्वीरें आपने भेजी है उसको देखकर तो नहीं लगता कि विकास का यहाँ पर कुछ भी हुआ है? फतेहपुर जिले में जहाँ पे भाजपा सरकार में 6 विधायक हैं और 3 मंत्री हैं, जहाँ प्रदेश मंत्री 2 और 1 केंद्रीय मंत्री हैं, और यहाँ का विकास तो आपको तो सीधा साधा रोडों पे दिख रहा है, तस्वीर दिख रही है जी। सड़कें टूटी हुई हैं और यहाँ पे विकास के नाम पर बिल्कुल खोखला नजर आ रहा है। तो जनता ने क्या मन बनाया है इस बार? सरकारी दावे जितने भी हैं वो झूठे साबित हो रहे हैं। और सरकार चाहे जितने बड़े बड़े दावा करे कि योगी सरकार की गड्ढा मुक्त सड़क करेंगे, पर गड्ढा मुक्त सड़क यहाँ पे नजर नहीं आती है। ठीक है, तो जनता ने क्या मन बना लिया है फतेहपुर की? हम दिखाते हैं आपको बांदा सागर रोड जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ का गड्ढा जितना साउथ है यहाँ पे कितना खराब पड़ा हुआ है। ठीक है बाबूलाल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन ये बताइए मुझे कि यहाँ की जनता ने क्या मन बनाया है, क्योंकि तस्वीरें देखकर तो हमने अंदाजा लगा लिया कि विकास कितना हुआ है। शायद मेरी आवाज इन तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक तरीके से। चलिए, तस्वीरें आपने देखी और हालात कैसे हैं वो आपने देखे। तो फतेहपुर और गोंडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसा माहौल है यहाँ का ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं, जनता ने क्या मन बनाया है ये भी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फतेहपुर का हम हाल नहीं जान पाए कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। तो एक बार फिर मैं गोंडा से अनुराग का रुख करना चाहूँगी। अनुराग लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। उससे पहले जो तस्वीरें आपने गोंडा की देखी और जो अनुराग ने बताया था कि यहाँ पर एक हद तक चीज़ें सही हैं, लेकिन 60% अच्छा है, लेकिन 40% आम जनता नाराज नजर आ रही है। तो अनुराग का एक बार फिर से मैं रुख करूंगी गोंडा की तस्वीरों के बाद। अनुराग, कैसा यहाँ पर माहौल है? नामांकन प्रक्रिया यहाँ पर कब से शुरू होने जा रही है? क्या प्रत्याशी सामने आ चुके हैं सभी? हम आपको बता दें कि गोंडा में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें सभी से सिर्फ समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, जिसमें कटरा बाजार से बैजनाथ दुबे हैं, कर्नलगंज से पूर्व मंत्री योगेश प्रताप के ऊपर फिर से दांव लगाई है समाजवादी पार्टी ने, और गोंडा सदर से पूर्व मंत्री के पुत्र हैं सूरज सिंह को। लेकिन अभी भाजपा ने 7 सीट पर अपना पत्ता नहीं खोला है, और बता दूं कि 7 विधानसभा क्षेत्र में गोंडा में भाजपा का कब्जा रहा है, और पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर जो गोंडा समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सीटें ज्यादा थी, उसको उस पर कब्जा करने के बाद बीजेपी ने 7 विधानसभा क्षेत्र पर जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप किया था। तो कहीं ना कहीं सपा के लिए एक बार चुनौती होगी कि इस चुनाव में फिर से वो समाजवादी पार्टी की जो सीटें पहले उनके पास थी उस पर वो कब्जा करे। अगर हम रोजाना विधानसभाओं का रुख करते हैं और तमाम जो रिपोर्टर्स हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, हर विधानसभा में हमें सीधी टक्कर जो है वो बीजेपी और सपा के बीच देखने के लिए मिल रही है, तो इससे हम क्या समझे, कहीं भी बसपा और कांग्रेस नहीं है? जी, हम आपको बता दें कि गोंडा में बसपा एकदम खत्म कर, क्योंकि इससे पूर्व में जो बसपा के जो बड़े नेता थे, बड़े चेहरे थे, सबको समाजवादी पार्टी ने तोड़कर सपा में शामिल कर लिया। तो बसपा के लिए इस बार सीधी मतलब खड़ा होना एक तरीके से मान ले कि उनके प्रत्याशी महज दिखावे के लिए हैं, तो लोग ये मान रहे हैं कि वो चुनाव से बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं बसपा और कांग्रेस भी यहाँ पर कभी पिछले
अगर हम दो तीन चुनाव की बात करें तो कांग्रेस कभी यहाँ से कोई चुनाव जीत नहीं सकी है। तो एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इसके तहत गोंडा सदर से सीट से रामा कश्यप नाम की एक छात्रा है जिसको उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कोशिश में है कि गोंडा में कुछ अच्छा कर सके, तो लेकिन वो असर भी दिखाई नहीं देता। अनुराग, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का भी असर नहीं है गोंडा में? जी बिल्कुल, हम बता दें क्योंकि वो कांग्रेस का जो ये गढ़ है गोंडा कभी बहुत पहले रहा, आजादी के समय जब देश आजाद हुआ था उस पीरियड में यहाँ से सांसद और विधायक कांग्रेस के रहे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सपा और बीजेपी ही बारी बारी कर यहाँ पर रही हुई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी गोंडा के साथों विधानसभा क्षेत्र में कि वो अपनी जमानत बचा सके। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस यहाँ पर गोंडा में सीधी लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, और इसमें मुस्लिम वोटर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बार मुस्लिम इलाकों में किस तरफ जा रहा है कोई अंदाजा? हाँ, आप लगातार फील्ड पर बने रहते हैं अनुराग। वही मैं बता रहा हूँ कि मुस्लिम क्षेत्रों में अभी दो दिन पहले हम जाकर दौरा किए थे तो वहां पर मुस्लिम वोटर जो है वो इस बार अपने वोट को बांटने में बिल्कुल कताही नहीं करना चाह रहा, सीधा सीधा उसका रुख जो है समाजवादी पार्टी की तरफ है। तो कहीं ना कहीं ये सपा के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन जो अगर हिंदू और वर्सेस मुस्लिम अगर चुनाव होगा तो थोड़ी सा उनको नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं ये सपा के लिए मुस्लिम वोटर उनके पास अगर है, यादव वोटर उनका माना जाता है, तो सपा के लिए एक अच्छी खबर है, अच्छी लड़ाई में। इसीलिए इस बार मैं बता रहा हूँ कि सातों विधानसभा क्षेत्र पर सीधी लड़ाई गोंडा में समाजवादी पार्टी से ही है। तो कहीं ना कहीं जो सात विधानसभा क्षेत्र है, मुझे जो लगता है सातों विधानसभा क्षेत्र से दो से तीन सीटों पर सपा को बढ़त मिल सकती है। तो सात में से दो तीन सीटों पर सपा तो आ ही रही है, तो कहीं ना कहीं सपा का फिर एक बार गोंडा में खाता खुलेगा। तो कहीं ना कहीं ठीक है। अनुराग, एक और बात बताइए जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब बीजेपी सत्ता में आई थी 2017 में तो सबसे बड़ी बात ये कही थी कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने जा रहे हैं, अपराध मुक्त करेंगे ताकि बहन बेटियां महिलाएं जो है वो आराम से रह सके। क्या ऐसी कोई तस्वीर गोंडा में देखने के लिए मिलती है? क्या वहां पर क्राइम का ग्राफ कम हुआ है पहले के मुकाबले? 2017 से पहले जो हालात थे जस के तस बने हुए हैं या कुछ ग्राफ में गिरावट आई है? महिलाओं से अपराध की बात करें तो गोंडा में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन आपको बता दें कि अभी पूर्व में एक युवती के घर में घुसकर तेजाब से हमला किया था। अब उसमें प्रशासन ने कार्रवाई अच्छा किया, इस वजह से उसमें यह हुआ कि लोगों में नाराजगी थी वो खत्म हुई। तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था बेहतर तो पहले से सुधार है, और लोगों में जो यहाँ के अपराधी हैं वो अपराधियों पर लगातार गोंडा पुलिस कार्रवाई कर रही है। गोंडा में एनएसए की कार्रवाई लगातार हो रही है। आपको बता दें कि डीएम द्वारा गोंडा में लगभग 134 असलहे सांसद सहित समाजवादी पार्टी के नेताओं सहित बड़े नेताओं के 134 असलहे को निरस्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि कोई भी हो किसी भी तरीके से समाजवादी भाजपा का ये भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, और क्राइम का जो ग्राफ है ये पहले गोंडा में कुछ गिरा है, और जिस तरीके से बदलाव है और सब भाजपा का जो दावा था कि क्राइम में कुछ हम कंट्रोल करें तो कुछ थोड़ी सा तो उसका असर दिख रहा है। और आपको बता दें कि गोंडा जो एक गोंडा विधानसभा क्षेत्र है इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो सीवर लाइन की है। यहाँ पर जल निकासी आज तक आजादी के इतने बरस हो गए सीवर लाइन नहीं है, जिससे जनता नाखुश है। जनता की जो डिमांड थी कि सीवर लाइन मिले, गोंडा का नगर पालिका क्षेत्र का दायरा बढ़े, तो वो दायरा भी नहीं बढ़ सका और सीवर लाइन भी नहीं मिली, जिसके वजह से कहीं ना कहीं कुछ जनता में नाराजगी भी है। और इसका यानी अनुराग कहा जा सकता है कि मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो सामने आती है गोंडा से, 60 और 40 का जो आंकड़ा है वो दिखाई देता है। मुस्लिम जो है वो सीधे तौर पर ये कह चुके हैं कि वो सपा के साथ हैं, लेकिन बीजेपी का भी यहाँ पर दबदबा जो है वो बना हुआ है। तो ऐसे में कुछ भी स्थिति अभी कहना ये जल्दबाजी होगी। फिलहाल हम इंतजार करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाबूलाल फतेहपुर से हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो फतेहपुर और गोंडा की तस्वीरें आपने देखी, एक जगह हालात बेहतर हैं, वहां पर विकास हुआ है, लेकिन दूसरी जगह अगर फतेहपुर की हम बात करें तो वहां पर विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे में वहां की जनता क्या सोच रही है, जनता ने क्या मन बनाया है, इसका हम इंतजार करेंगे। कल फिर लौटेंगे और विधानसभाओं के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।